पुस्तकर नाम गायत्री मंत्रर तत् अक्षरर व्याख्या ब्रह्म ज्ञानर प्रकाश लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आज विषय ब्रह्म ज्ञानर मार्ग कठिन नुहे सांसारिक लोक मैंने ब्रह्म ज्ञान को अति कठिन और प्राय असंभव बोली मन करती किंतु यह एक बड़ भूल ब्रह्म ज्ञान अथवा आध्यात्मिकता मनुष्य जीवन रे आदि कालर ओतप्रत तेणु यह बुझा और पालन करने कि कठिन नुहे वर्तमान समय रे कठिन मन होर कारण आजिकाली संसार वास्तवता को छाड़ी कृत्रिमतार जथेष अधिक लिप्त होगा तेणु जो मार्ग मनुष्य सकाशे सलख सरल और हितकारी ता कठिन और असंभव जनापड़ी किंतु जदि विचार कर देखा जाए तेज शुभ और पवित्रतार मार्ग पाप और नीच मार्ग तुलन अधिक सरल सत्कर्म जो स्वाद और पवित्रतार जो आनंद अच्छी ताप और नीचतार सुखद मादकता तुलन अधिक मजादार उपकार करने पाप करने अपेक्षा अधिक सहज कारण परमात्मा स्वरूप मनुष्यर प्रवृत्ति स्वभावतः पवित्रतार समर्थक पाप और नीचता अत्यंत अप्राकृतिक निकृष्टतार कबल पड़वा लगि मनुष्यर सहज इच्छा न थाए से ही मार्ग में चलवा बेले पदे पदे निज आत्मा को संहार करने को पड़े मनर रुचि बलात्कार करने को हुए तापरे मनुष्य पाप करे जो व्यक्ति धूम्रपान आरंभ करती से माने भयंकर भावरे खासंती आखिरु लुह झरी पड़े शरीर रे पीड़ा हुए मुंडा बुलाए मुहर दुर्गंध आसे तमाकू अप्राकृतिक होइथिबा जगौ एहा हुए आमे सेपरी काम करिबा लागि परमेश्वर इच्छा करंती नाही प्रकृतिर सहज एथिरे न थाए केवल आमर अनधिकार चेष्टा ही सही दिव्य शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करे सही परि पाप और नीच कर्म आरंभ करिबा बेले आम अंतकरण रे भयंकर विक्षोभ उत्पन्न होइथाए आत्मग्लानी तथा क्लेश उत्पन्न हुए मन कौनसी अज्ञात भय रे थरी उठे आम कुकृत्यर साहाज्य देबाकु अनिच्छा प्रकट करे स्वाभाविक गति रे आम शरीर से दिगरे चले नहीं अमणिया घोड़ा भली आम मन स्थाने स्थाने अटकी जाए एवं से मार्ग रे चलिबा सकाशे इच्छा करे नहीं आम संकल्प धारणा और वृत्ति सब अइच्छुक हुवंती निज मन उपरे अत्याचार करी आमे पाप कर्म रे प्रवृत्त हेउथाउ बारंबार ताहाकु आवृत्ति करिबा फळरे आम पवित्र आकांक्षा मृततुल्य होई पड़े जाणी सुणी आमे जेपरी अफिम मद तमाखु तथा अन्य विषाक्त पदार्थ सेवन रे अभ्यस्त होई जाउ एवं ताहार कटु प्रभाव आमको जना पड़े नाही सेहिपरी अभ्यस्त होइजिबा परे आमे पाप कर्म नीच कर्म करिबा बेले ग्लानी अनुभव करि न थाउ कालांतर रे आमे पक्का पापी होइ जाउ निज भितरे परमात्मा को काम करिबा को दियो आदि प्रभु को इच्छा अनुसारे चलिबा लागि निजे निज को बाध्य कर निज इच्छा अनुसारे चलिबा सकासे परमात्मा को बाध्य कर नाही तुम इच्छा केवल गोटे हेबा दरकार जो परमात्मा समग्र जगत को निज पवित्रता प्रदान करिछंती अणु परमाणु रे उत्कृष्ट तत्वर समावेश करिछंती जे सत्य सुंदर तथा सर्वत्र शिव तुमे सही सर्वशक्तिमान परमात्मा का संतान केते अंशरे तुमे ईश्वरक इच्छा रे अनुगामी होइछ तुमर केते काम परमात्मा का निमन्ते समर्पित स्वपूरण करिबा सकाशे तुमे केते समय नियोजित करुछ
केते समय पाई तुमे पूजा उपासना करिछ, आत्मा निरीक्षण करी ए सब प्रश्नर उत्तर खोज। तुम शरीर रे थिबा विभिन्न अंगर उद्देश्य कण, के उद्देश्य रे सेगुड़िक गठित। पवित्र रु पवित्र वस्तुर दर्शन तुमे नेत्रर काम हेबा उचित। कुरूपरे मध्य तुमे सौंदर्य खोजी बाहर कर, प्रतिकूल स्थिति रे मध्य तुमे सहायक तत्वर दर्शन कर। कठिन रु कठिन ओ विषम रु विषम परिस्थिति रे मध्य विचलित हुआ नहीं। तीव्र तूफान रे मध्य तुम पाद अविचलित रहू। तुम हृदय रे पवित्रतार विचार उठु। शरीरर अंग प्रत्यंग रे उत्साह ओ परमेश्वरक तेज झलसी उठु। आत्मा बंधुगण, ए संसार सहित आमर कौनसी संपर्क नहीं। आमे सत् चित् आनंद विशुद्ध परम पदार्थ आत्मा। संसार ओ सांसारिक संबंध केवल खेलना। अमुक व्यक्ति आमर शत्रु ओ अमुक व्यक्ति आमर मित्र बोली आमे कही थाउ। प्रकृतरे आमर केही शत्रु बा मित्र नहंती, पिता ओ पुत्र नहंती। आमे सबु साक्षात परम ब्रह्म पदार्थ। संसार छोट छोट झगड़ा सहित आमर कौनसी संबंध नहीं। सुख दुख केवल खरा ओ छाई भली एहा जाए पुणी फेरी आसे। आम आंतरिक शांति भंग हेबा अनुचित। आमे संसार ठारु बहु उद्धरे। वायुजान रे बसी आकाश रे बिहार कले जेपरी संसार रा प्रत्येक वस्तु घर द्वार मनुष्य पशु वृक्ष आदि छोट छोट देखा जाती, सही परी आत्मा स्वरूप प्रकट करुथिबा साधकंकु सांसारिक पदार्थ मिथ्या मने हुए। से ताहा ठारु बहु ऊर्ध्वकु चली जाती। से माया मोह चक्र रे पड़ी नथांती। दिव्य ज्ञान तांकु ज्योति प्रदान करिथाए। एहार आलोक रे से भव्यता पवित्रता ओ वास्तव सत्यर दर्शन लाभ करिथांती। तुमे ए संसार सहित संप्रुक्त रही आत्मज्योति को प्रकट करिपार ए कथा नुहे। संसार रा चपेटा घात सही मध्य तुमे उत्तम रूपे दिव्यता लाभ करिपारिबो। गृहस्थ अनेक दायित्व पालन करि मध्य तुमे सहर्ष निज भीतर परमात्मा तत्व को प्रकट करिपारिबो। तुमे निज को परमात्मा मने करि प्रत्येक काम कर। तुमे तांकर अंग। तुमठारे ज्ञान सत्य और प्रेम परिपूर्ण हो रही। तुमे नित्यदिनिया जीवन रे सही तत्व प्रकट करुछ। तुमे सर्वत्र सही प्रेम दिव्यता और शांतिर दर्शन करुछ। तुम दृष्टि केवल भव्य तत्वर चिंतन रे नियोजित। तुमे केवल पवित्र शब्दर उच्चारण करुछ एवं मन मंदिर रे सर्वदा पवित्र संकल्प को स्थान देछ। तुम लक्ष्य ओ आदर्श जेते दिव्य हब तुमको सेतिकी ईश्वरीय प्रेरणा मिलिब। जेउ गुण तुमठारे नाही ताहाकु तुमे निज भितरे धारण करी तदनुरूप आचरण कर। कालांतर रे सही शुभ तत्व तुमठारे प्रकट हेब। तुमे निजकु दीनहीन पापी नुहे, बरं पवित्र निर्विकार आत्मा बोली मने करा।